अस्सलाम वालेकुम मेरे सोने सोने चंद वर्गे व्यूवर्स, आपका किचन में खुश आमदीद। मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज मैं आपके लिए मटन के कीमे की बहुत ही लजीज रेसिपी लाई हूँ, जिसे खा के आपको स्वाद आ जाएगा। ऐसा खुशबूदार और लजीज कीमा आपने कभी नहीं खाया होगा। मटन के कीमे को बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, फ्लेम को मैंने मीडियम लो किया हुआ है। इसके अंदर मैंने हाफ कप ऑयल का ऐड किया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब मैं इसके अंदर 6 अदद प्याज ऐड करूँगी। मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए, इनको मैंने जूसर में ब्लेंड कर लिया था थोड़ा सा पानी ऐड करके। अब मैं इसके अंदर इसको फ्राई करूँगी। आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि इसमें से इसके कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए। आपने इसको ब्राउन नहीं होने देना। प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं, अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी और इसको 2 से 3 सेकेंड के लिए इसके अंदर फ्राई करूँगी। और इसको फ्राई करने से जब इसके अंदर खुशबू आने लगे तो फिर मैं इसके अंदर कीमा ऐड करूँगी। अब इसमें से खुशबू आने लगी है, अब मैं इसके अंदर कीमा ऐड करूँगी। ये मैंने 1.5 किलो मटन का कीमा लिया है, आप बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। अब मैं कढ़ाई के अंदर इसको ऐड करूँगी और इसको कढ़ाई के अंदर ऐड करने के बाद इतना फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। कीमे को आप जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही जो टेस्ट है इसका बहुत ही मज़े का आएगा। आपने भूनने में कंजूसी नहीं करनी, आपने कीमे को बहुत अच्छे से भूनना है। कीमा एक ऐसी डिश है जो हर घर में बहुत शौक से खाया जाता है। कीमे का कलर हमारा चेंज हो गया, अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूँगी, जिनमें 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून मैंने जीरा ऐड किया इसके अंदर, साथ ही मैंने 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा ऐड किया है, 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर कुटी मिर्च ऐड की है और मैंने 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची और 10 से 12 दाने मैंने इसके अंदर काली मिर्चों के ऐड किए हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर खुश्क धनिया ऐड किया है, जिसको मैंने अधकुटा सा किया हुआ है, ताकि जब ये आप खाएंगे ना तो उसमें मुँह में आएगा ना तो आपको बहुत ज़बरदस्त कीमे का टेस्ट लगेगा। सारे मसालों को ऐड करने के बाद इसको मैं 5 मिनट तक अच्छे से इसमें भूनूंगी और देखें कलर कितना ज़बरदस्त हो गया हमारे कीमे का। अब मैं इसके अंदर 4 से 5 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, इनकी मैंने प्यूरी बना ली है। अब मैं इसके अंदर इसको ऐड करूँगी। टमाटरों का पेस्ट इसमें ऐड करने के बाद हमें कम से कम 5 मिनट लगेंगे इसको ड्राई करने में और जो हाफ कीमा हमारा होगा वो इसी में ही कुक हो जाएगा। कीमे की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि इससे हमारा जो घर है वो पूरा महक गया है इसकी खुशबू से। फ्लेम को यहाँ पे मैंने मीडियम हाई किया हुआ है और टमाटरों का पानी हमारा ड्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर दही को ऐड करूँगी। अच्छा, जब मैंने इसके अंदर दही को ऐड किया है तो फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिए। अब मैं इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करूँगी। अब मैं इसको रख दूँगी कवर करके कम से कम 20 मिनट्स के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। कीमे को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं और ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो कीमा है वो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से कुक हो गया है। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए भूनूंगी ताकि मज़ीद जो है वो और मज़े का हो जाए। देख लें मैंने कीमे की कितनी बुनाई की है और इसलिए ये कीमा इतना टेस्टी बना था मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी अदरक ऐड करूँगी कटिंग की हुई और साथ ही इसके अंदर 2 अदद हरी मिर्चें जो मैंने लंबाई में काट के रखी हुई हैं वो ऐड करूँगी और इसको थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी इसके अंदर ही। साथ ही इसके अंदर मैं 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करूँगी और फिर इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। आप इस तरह गरम मसाला ऐड करते हैं और कवर करके रखते हैं तो बहुत ही प्यारी खुशबू आती है कीमे के अंदर से, बिल्कुल देगी खुशबू आती है जैसे कि आप बाज़ार का कीमा खा रहे हैं। और देखिए कितना ज़बरदस्त की लुक आई है। एंड पे मैं इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए थोड़ा सा धनिया और साथ ही इसमें हरी मिर्चें और साथ में अदरक ऐड करूँगी, जिससे इसकी मज़ीद खूबसूरती बाहर आएगी और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह कीमे के अंदर से। और ये देखें जी मेरे मटन कीमे की फाइनल लुक। दुआ में याद रखिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।